टिकट भी मैंने परचेज कर ली है। ये रही हमारी टिकट और बस शाम 7 बजे निकलेगी और कल सुबह 9 बजे कोसमुई पहुंचेगी। ये फेरी में सवार हो रहे हैं, बहुत बड़ी फेरी है। ये इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं और अभी मज़ीद गाड़ियां आ रही हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक से कोह समुई, जो सूरत थानी की एक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक आइलैंड है कोह समुई। अभी मैं मौजूद हूँ बैंकॉक के साउथर्न बस टर्मिनल पे, जिसको थाई में साइताई माइल स्टेशन भी बोलते हैं। अभी मैं उधर मौजूद हूँ, टाइम हो गया शाम के 6 बज गए हैं, तो अभी मैं जाके परचेज़ करूँगा टिकट। ये मैं अभी बस टर्मिनल के सेकंड फ्लोर पे जाके टिकट परचेज़ करूँगा पहले, और अभी टाइम है बस में तकरीबन 1 घंटा, 7 बजे बस में निकलना है, तो अभी टाइम हो गया 6 बजे। अभी टिकट परचेज़ करके फिर आपको बस स्टेशन भी दिखाएँगे। ये सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया, तो अभी टिकट काउंटर से जाके टिकट परचेज करेंगे पहले। बहुत बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा बस टर्मिनल है। बैंकॉक के 2 बड़े बस टर्मिनल हैं, एक को मोचित बस टर्मिनल कहते हैं, जो कि नॉर्थन एरिया के लिए सर्विस देता है, और ये साइताई माइल बस टर्मिनल है, जिसको साउथर्न बस टर्मिनल भी कहते हैं। तो ये सारे टिकट काउंटर हैं, ये सारे आगे तक। इधर से आप फुकेट, सूरत थानी और साउथ में जितनी भी सिटीज़ हैं उधर जाने के लिए टिकट परचेज कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर से जाके करूँगा टिकट परचेज। टिकट भी मैंने परचेज कर ली है, ये रही हमारी टिकट, और बस शाम 7 बजे निकलेगी और कल सुबह 9 बजे कोसमुई पहुंचेगी। 7 बजे सूरत थानी पहुंचेगी और वहां से शिप लेके, फेरी लेके जाएंगे कोसमुई, और 9:30 बजे के करीब कोसमुई पहुंच जाएंगे। 619 बात की मुझे टिकट मिली है, जो बैंकॉक से डायरेक्ट मुझे लेके जाएंगे कोसमुई। अभी बस के डिपार्चर होने में थोड़ा टाइम है, तो उतनी देर आपको बस टर्मिनल दिखाते हैं। बस टर्मिनल के 3 फ्लोर हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, सेकंड फ्लोर पे टिकटिंग काउंटर, और दोबारा से शॉप्स हैं, और थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। KFC भी अवेलेबल है, ये आइसक्रीम, और मिस्टर DIY स्टोर भी है इसमें, और इसी सेकंड फ्लोर पे पासपोर्ट ऑफिस भी है, पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं आप इस बस टर्मिनल से। बहुत बड़ा बस टर्मिनल है। ये रहा के पासपोर्ट ऑफिस और बस के प्लेटफॉर्म इस साइड पे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। मैं 7 चेयर्स हैं,
पासपोर्ट ऑफिस ऊपर थर्ड फ्लोर पे है। इस जगह पे मोबाइल शॉप्स हैं और ये रास्ता जा रहा है प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए सीढ़ियों के पास आपको मिल जाएगा प्रेयर रूम। थाईलैंड की ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि हर बड़े शॉपिंग मॉल में, हर बस टर्मिनल पे, एयरपोर्ट्स पे प्रेयर रूम लाजमी होता है। और ये तो वैसे भी साउथर्न बस टर्मिनल है और साउथर्न में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और मोस्टली मुस्लिम ही ट्रेवल करते हैं इस बस टर्मिनल से, तो इस जगह पर तो लाजमी होना चाहिए। ये रहे प्लेटफॉर्म्स। ये सारी बसेस रेडी हैं रवाना होने के लिए। तो अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 34, तो अभी 34 पे जाके करेंगे बस का वेट। ये रहा 40 38 36 और वो आगे 34। 7 बजे हमारी बस आएगी और अभी टाइम हो गया तकरीबन 6:30 बजे का, अभी आधा घंटा है बस के आने में। ये रहा 34 और इस जगह पे आएगी बस। ये हमारी बस आ गई है बैंकॉक से कोस्टमोई के लिए। तो चल के करते हैं बस में बोर्डिंग। अभी 3.5 घंटे के सफर के बाद बस ने एक जगह पे स्टॉप किया है 20 मिनट के लिए। सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर हलाल फूड अवेलेबल है क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर साउथ वाली साइड पे मुस्लिम पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और ये टिकट के साथ एक फ्री ड्रिंक मिला है सब पैसेंजर्स को। इधर कुछ शॉप्स वगैरह और मस्जिद भी है इस जगह पे। वो सामने हमारे पास खड़ी है। अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं और बस पियर पे पहुंच गई है जहाँ से हम बोर्ड लेंगे वो समुझ जाने के लिए। तो अभी 7 बजे फेरी निकलेगी इधर से, तो अभी जाके वेट करेंगे फेरी का। सामान हमारा बस में पड़ा हुआ है, बैग वगैरह, तो बस भी जाएगी समुई पे बोर्ड पे। अभी बस से उतर के फेरी की टिकट परचेज कर ली है, 170 बाद की टिकट है। तो मुझे ये था कि फेरी की टिकट इंक्लूड होगी बस की टिकट में, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इधर आके पेयर पे उतार दिया कि सारे पैसेंजर जाके अपनी अपनी टिकट परचेज करें। तो बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो शौक होंगे कि ये क्या हुआ, हमने तो टिकट समुई की परचेज़ की है। लेकिन वो बस वाले ने बोला कि नहीं, फेरी की टिकट आपने खुद परचेज़ करनी होगी, फेरी की टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है। अभी फेरी की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी जाके बोर्डिंग करेंगे फेरी पे और सेम फेरी पे हमारी जो बस आई है बैंकॉक से वो भी साथ में जाएगी। मुझे फेरी जिधर जाके उतारेगी समुई पे, उधर से दोबारा बस पे बैठ के समुई बस टर्मिनल पे जाएंगे। तो ये ट्रक, ये वगैरह, ये सारे को समुई पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसेस वगैरह, ये सारे इसी फेरी में, पैसेंजर भी इसी में और गाड़ियां भी इसी फेरी में। ये फेरी में सवार हो रहे हैं, बहुत बड़ी फेरी है। ये इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं और अभी मज़ीद गाड़ियाँ आ रही हैं और पैसेंजर जो हैं वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे गाड़ियाँ और ऊपर पैसेंजर। तो अभी हमारी बस भी इधर आके पार्क होगी।
ये पॉइंट के ऊपर वाले पोर्शन पे। बहुत खूबसूरत व्यू है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये है भाई अंदर से फेरी, इधर शॉप्स हैं, बड़ी कंफर्टेबल सीट्स लग रही हैं। ये फेरी का इंडोर कैबिन है और फेरी के ऊपर मसाज शॉप भी है, मसाज भी अवेलेबल है। थाईलैंड का मोस्ट फेमस थाई मसाज। बहुत बड़ी फेरी है, बैठने के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। और इस जगह से आप ऊपर तीसरे लेवल पे जा सकते हैं, सन डेक, ओपन एरिया ऊपर सन डेक, तो ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो अभी आपको ऊपर से जाके दिखाएंगे व्यू, ऊपर से व्यू किस तरह का है। ये ऊपर का ओपन सिटिंग एरिया, और इस जगह से इस मंदिर का व्यू बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़ी फेरी है भाई, इस तरह की बड़ी फेरी में बैठने का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये आ रही है हमारी बस, जिसमें मैं बैंकॉक से आया हूँ, तो ये बस भी इसी फेरी पे जाएगी को समोई। और जिस जगह पे जाके ये फेरी हमें उतारेगी, वहाँ से हम दोबारा इस बस में बैठ के समोई बस टर्मिनल पे जाएंगे। तो हमारा लगेज वगैरह अभी इसी गाड़ी में है, बस में। और पीछे गाड़ियां भी आ रही हैं। ये अभी जिस जगह से हम फेरी पे सवार हुए हैं, ये है भाई फेरी का व्यू, और वो सामने को समुई नजर आ रहा है। इधर हमने जाना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उधर पहुँचते हुए, क्योंकि फेरी बहुत बड़ी है और बहुत स्लो स्पीड में जा रही है। सुबह सुबह का टाइम है तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद फाइनली कोसमुई पे पहुँच गया। अभी फेरी से उतर के आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं बस की तरफ। दोबारा बस से बैठेंगे और चलेंगे बस टर्मिनल पे।